शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लड्डू गोपाल कान्हा, कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा जिससे मैं तुम्हें और तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर सकूं। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। कौन है जिसने मेरे शंख में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है? रुक जाओ बालिका, रुक जाओ। ये बालिका यहाँ आई कैसे? ये कान्हा की कोई गोपी तो नहीं? इससे पहले कि ये गोपी कान्हा को मेरा भेद बताए, मुझे इसका अंत करना होगा। रुक जाओ बालिका, रुक जाओ। तुम शंखासुर से दूर नहीं भाग सकती। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम रुक जाओ। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। कहाँ गई वो बालिका? अभी तो यही थी, कहाँ अदृश्य हो गई वो बालिका? अपने कान्हा को मेरा भेद बताकर भी मेरा कोई अहित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने शंख में अमर हूं। अब यदि किसी का अंत होगा तो वो तुम्हारे कान्हा का। मुझे इस ससुर से अपने प्रभु की रक्षा करनी होगी। कान्हा ने कहा है कि असुरों का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए हम सबको पहरा देना होगा। पर मंगल, कान्हा अभी तक आया नहीं है, उसके बिना पहरा कैसे देंगे? हाँ, अगर कोई असुर आ गया तो कान्हा के बिना हम क्या करेंगे? सिखाओ। कान्हा, हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे यार। क्षमा करना सिखा, मैं तो बस माखन लेने चला गया था। कान्हा, तुम यहाँ पहरा देने आए हो या माखन खाने? मैया कहती है कि सबसे बड़ा संकट भूख का संकट है, इसलिए किसी भी संकट का सामना करने जाओ तो भोजन की पूरी व्यवस्था करके जाओ। ये तुमने बहुत अच्छा किया कान्हा, वैसे भी पूरी रात पहरा देना है, भूख तो लगेगी। सखाओ, हम लोग बारी बारी से पहरा देंगे और पहली बारी मेरी होगी, इसलिए अभी तुम लोग सो जाओ। मैं भी देखता हूँ कि कौन असुर यहाँ आने का साहस भी करता है। कान्हा, एक बार तुम्हारी मृत्यु का भेद ज्ञात हो जाए उसके पश्चात एक क्षण भी विलंब नहीं करूंगा तुम्हारा वध करने में। सखाओ को ऐसे निंद्रा में देख कर तो मुझे भी निंद्रा आ रही है। एक काम करता हूँ, मैं भी सो ही लेता हूँ, जब असुर आएगा तब देखा जाएगा। प्रभु, विडंबना देखिए, मैं शंखासुर का सारा सत्य जानती हूँ, परंतु मैं उसके विषय में आपको कुछ नहीं बता सकती। पर ये चिंता की बात नहीं है प्रभु, जब तक आप विश्राम करेंगे मैं दूंगी पहरा, और यदि शंखासुर आया तो मैं किसी न किसी प्रकार आपको अवश्य सूचित करूंगी। कान्हा अपना सत्य तभी प्रकट करेगा जब इसके सखाओं पर संकट आएगा, इसलिए इसका सत्य जानने के लिए इसके समस्त सखाओं का अंत करना होगा मुझे।
शंखासुर? शंखासुर ने प्रभु के पग के पद्म को देख लिया है, मुझे कुछ करना ही होगा। ये कान्हा के पैर से प्रकाश कैसा आ रहा है? क्या भेद है इसके दिव्य प्रकाश का? ये अवश्य ही कोई ऐसा भेद है जो कान्हा के जीवन से जुड़ा हुआ है। जहां जीवन का भेद होता है वहीं मृत्यु का भी भेद छुपा होता है। कान्हा, मैं तुम्हारे इस जीवन के भेद को ही भेद दूंगा और समाप्त हो जाएगी तुम्हारी जीवन यात्रा। यदि शंखासुर ने प्रभु के पैर के पद्म को भेद दिया तो अनर्थ हो जाएगा। कैसे रक्षा करूं मैं अपने प्रभु के जीवन की? कान्हा, तुम्हारे इस निद्रा को ही बदल दूंगा मैं मृत्यु की निद्रा में। हरे रामा हरे कृष्णा, क्या भेद है भगवान कृष्ण के चरण में वास करने वाले उस पद्म का? हाँ तुलसी, सृष्टि का कोई अस्त्र शस्त्र जब भगवान श्री कृष्ण का कोई अहित नहीं कर सकता तो उस पद्म पर प्रहार करने जा रहे शंखासुर से वृंदा इतनी डर क्यों गई थी? काका, वो कोई साधारण पद्म नहीं था, अभी तो उस पद्म में भगवान कृष्ण का जीवन बसता है उसमें। ये तुम क्या कह रही हो तुलसी? मौसी, यही सच है। ये वही पद्म है जिस पर बहेलिया का तीर लगने के कारण द्वापर काल के अंत में भगवान कृष्ण को संसार से प्रस्थान करना पड़ा था। पर तुलसी, इस पद्म की क्या कथा है? क्योंकि भगवान कृष्ण तो संसार के पालनहार है, उनका अहित तो संसार का कोई भी शस्त्र नहीं कर सकता, फिर इस पद्म के कारण उन्हें संसार से प्रस्थान क्यों करना पड़ा? इसका निर्धारण स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था मौसी। मौसी, ये तब की बात है जब भगवान कृष्ण द्वापर काल में गोलोक को त्याग कर पृथ्वी लोक पर अवतरित होने वाले थे। हे गोलोक में वास करने वाले गोप गोपियों, अब मेरा संसार में कृष्ण अवतार लेने का समय आ गया है, क्योंकि पृथ्वी कंस के अत्याचार से कांप रही है, धर्म कंस के अधर्म से संकट में है, इसलिए मुझे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए मुझे संसार में अवतरित होना होगा। प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए प्रभु। देव पद्म, क्या बात है, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? प्रभु, गोलोक के सभी गोप गोपियां आपकी सेवा के लिए गोकुल में जन्म लेने वाले, यहाँ तक कि शंख चक्र गदा, इन सभी के कर्मों का आपने निर्धारण कर दिया। वो सभी आपके साथ संसार में आपके सहायता के लिए जाने वाले हैं, किंतु प्रभु, आपने अभी तक मेरे कर्मों का निर्धारण नहीं किया। उठिए पद्मदेव। आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते प्रभु, आपसे मेरी विनती है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्रभु, अपनी इस लीला में मेरे भी कर्म का निर्धारण कीजिए प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलिए प्रभु। पद्मदेव, मेरे कृष्ण अवतार के सारे कर्म निर्धारित हो चुके हैं, अब केवल संसार से मेरे कृष्ण अवतार के प्रस्थान का विधान ही शेष, इसलिए मैं संसार से अपने निवारण के लिए आपको चुनता हूँ। आपके कारण ही संसार से मेरे कृष्ण अवतार का अंत होगा। देव पद्म, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं और आपके अंत का कारण बनूंगा? नहीं प्रभु, नहीं, ये संसार मुझे दोषी ठहराएगा, मुझे इतने बड़े अपराध का दोषी मत बनाइए प्रभु, मत बनाइए। भगवान को भी अपने कर्म पूर्ण कर संसार से प्रस्थान करना ही होता है, यही विधि का विधान है, इसलिए मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे प्रस्थान का कारण बनने के पश्चात भी संसार इसका दोषी कभी आपको नहीं मानेगा, इसलिए निश्चित हो अपने धर्म का पालन कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। अपनी इच्छा अनुसार मेरे शरीर में स्थान धारण करें पद्मदेव, क्योंकि अब मेरे कृष्ण अवतार लेने का समय हो गया है। प्रभु, आपके भक्तों के लिए आपके चरणों से प्रस्थान हो ही नहीं सकता, कृपया करके आपके चरणों में स्थान दीजिए। एवं अस्तु।
इस प्रकार प्रभु ने पद्म को अपने चरणों में धारण किया और इसलिए पद्म द्वापर काल में भगवान कृष्ण के प्रस्थान करने का कारण बनने वाला था। शंखासुर कभी भी अपना भाला चला सकता है, मुझे उसे रोकना ही होगा। इतना भयंकर असुर माखन से डरता है? शंखासुर, मैं जानती हूँ तुम पुनः आओगे, पर मुझे भी तुम्हारी दुर्बलता का पता लग चुका है और अब मैं तुम्हें अपने प्रभु पर कभी भी संकट नहीं बनने दूंगी। इस प्रकार देवी वृंदा अर्थात माता तुलसी ने प्रभु के प्राणों की पहली बार रक्षा की थी। बोलो तुलसी मैया की, बोलो माँ वृंदा की। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। ये देखो मैं ले आया निमंत्रण पत्र। कर्म प्रदान विश्व रचिरा फल चाखा। क्या बात है गोवर्धन, पहली बार कोई काम ढंग से किया है तुमने। हे माता तुलसी, ये आपके और भगवान शालिग्राम के विवाह का निमंत्रण पत्र है, इसे स्वीकार कीजिए। तुलसी, तुमने इतनी कथा तो बता दी, पर ये तो बताया ही नहीं कि कान्हा ने देवी वृंदा को ये वरदान क्यों दिया था कि कलयुग में उनका विवाह विष्णु स्वरूप शालिग्राम जी से होगा। मौसी, तनिक धैर्य रखिए, हम पूरी कथा सुनाएंगे आपको, बैठ जाइए। तो सुनिए, माखन के भय से शंखासुर तो वहां से चला गया था, पर देवी वृंदा अब भी दूर खड़ी अपने भगवान कान्हा के दर्शन कर रही थी। प्रभु, आप मेरे सम्मुख हैं, पर फिर भी मैं आपके सम्मुख नहीं आ सकती, आपके चरण वंदना नहीं कर सकती। इससे बड़ा दुख एक भक्त के लिए और क्या हो सकता है प्रभु? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात यहाँ कोई असुर आया था? प्रभु, मैं आपको कैसे बताऊं कि शंखासुर यहाँ आया था और उसने आपके चरणों के पद्मों को भी देख लिया है। प्रभु प्रभु, मुझे आपको ये सत्य बताना ही होगा, क्योंकि शंखासुर कुछ भी अनर्थ कर सकता है। नहीं, मुझे अपने प्रभु पर विश्वास रखना ही होगा।
उनकी लीला पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि इस संसार में जो भी घटता है प्रभु की इच्छा से ही घटता है। इसलिए मुझे उचित समय आने की प्रतीक्षा करनी होगी। गाना, हमें बहुत गहरी नींद लग गई थी, पर तुम तो पैरा दे रहे थे ना? हाँ हाँ, सिखाओ। कान्हा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम सो गए थे? नहीं मंगल, मैं सोया नहीं था, अभी तू आंखें मूंद कर पैरा दे रहा था। अच्छा कान्हा, फिर माखन की मटकी किसने तोड़ी? कहीं तुम अकेले अकेले तो नहीं खा गए सारा माखन? सिखाओ, ऐसा कभी हुआ है कि मैंने माखन अकेले खाया हो? किंतु काना, किंतु पर तो कुछ नहीं था माँ, सुबह हो गई है, चलो चलकर गोपियों के यहाँ से माखन चुराते हैं। यदि वो जाग गए तो आज पूरा दिन हमें माखन के बिना बिताना होगा। हाँ हाँ काना, चलो शीघ्रता करो। आपकी चरण धूलि पाकर आज मैं धन्य हो गई प्रभु। मैं नहीं जानती कि वो समय कब आएगा जब आप स्वयं मुझे दर्शन देंगे, पर तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं शंखासुर को आपके समीप भी नहीं आने दूंगी, क्योंकि उसने आपके पद्मों को देख लिया है प्रभु। इसलिए मैं जीवित रहते चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं शंखासुर को अपने प्रभु के लिए संकट नहीं बनने दूंगी। प्रभु, एक बात समझ नहीं आ रही है, जब गोप मकरंद ने देवी वृंदा को गोलोक से निष्कासित हो जाने का श्राप दे दिया था, तो उसने पुनः ये श्राप क्यों दिया आपके सम्मुख ना जाने का? महादेव, उस दिन जब वृंदा ने मकरंद को असुर हो जाने का श्राप दिया था तो वो और क्रोधित हो उठा। वृंदा, तुम्हारा इतना साहस एक साधारण गोपी होकर प्रभु के प्रमुख गोप को असुर होने का श्राप दोगी? मेरा प्रथम श्राप तो फलित होगा ही, मैं तुम्हें यह भी श्राप देता हूं कि धरती लोक पर तुम्हारा जन्म होने के बाद भी तुम्हें प्रभु का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। यदि तुमने स्वयं की इच्छा से प्रभु के समक्ष जाने की चेष्टा भी की तो जलकर भस्म हो जाओगी। प्रभु, इससे बड़ी विडंबना मेरे लिए और क्या हो सकती है? द्वापर काल में आपका कृष्ण अवतार होने के पश्चात भी मैं आपके सम्मुख नहीं आ सकती, ऐसे जीवन का क्या लाभ? प्रभु, आपके होने के पश्चात भी मैं आपकी चरण धूलि नहीं पा सकती, आपका आशीर्वाद नहीं पा सकती। वृंदा, यदि भक्त भगवान के पास नहीं आ सकते तो भगवान तो भक्त के पास आ ही सकता है ना? जब देवी अहिल्या पाषाण बन चुकी थी तब प्रभु श्री राम स्वयं उनके पास गए थे उनका उद्धार करने। उसी प्रकार द्वापर काल में ऐसी घटना घटेगी कि मैं स्वयं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हारे सम्मुख आऊंगा, तुम्हारे श्राप को दूर करूंगा। कृष्ण का अंत कर देता मैं, उसकी मृत्यु के कितना समीप था। जो माखन मनुष्यों को इतना प्रिय है वही मेरी सबसे बड़ी दुर्बलता है। माखन के गंध मात्र से मैं अचेत होने लगता हूँ। पर प्रभु, शंखासुर का माखन के साथ क्या भेद था और क्यों वो माखन से अचेत हो जाता था? महादेव, शंखासुर किसी जन में शंख नाम का यज्ञ दूत था जिसका कार्य था यज्ञ में चढ़ाए गए भोग को देवताओं तक पहुंचाना, ताकि संसार को
उस यज्ञ का फल मिल सके। हे यज्ञदूत, प्रकट हो। प्रणाम ऋषिवर। मेरे इस भोग को मेरे प्रभु को समर्पित करो। जो आज्ञा ऋषिवर। इतना स्वादिष्ट भोग यदि देवता खाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा? यज्ञ दूत के रूप में शंकासुर उन भोगों को स्वयं खा जाता था और धीरे धीरे ऋषि मुनियों को उन यज्ञ का फल मिलना बंद हो गया। सारे ऋषि मुनि चिंतित हो गए और एक दिन एक ऋषि ने यज्ञ दूत को भोग ग्रहण करते देख लिया और वो भोग माखन था जो मुझे अर्पित किया गया था। यज्ञदूत, तुमने बहुत बड़ा अधर्म किया है। ऐसे कार्य असुर कर सकते हैं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारे जीवन में जब भी यह माखन आएगा तुम्हारी मति भ्रष्ट हो जाएगी। महादेव, यही कारण है कि माखन को देखते ही शंखासुर अपने शुद्ध बुद्ध खो देता है। पर वो माखन की मटकी गिरी कैसे? उस कान्हा के दिव्य पदम का क्या भेद था? कहीं उस कान्हा की मृत्यु का भेद उस पदम में तो नहीं है? देर से सही, तुम सच तक पहुंच गए शंखासुर। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। आप और यहाँ? हाँ शंखासुर, मैं इसलिए यहाँ आया हूं कि तुम्हें और ना फटकना पड़े। बस एक बार उस कान्हा के पग में स्थित पदम को भेद दिया तो कान्हा की जीवन यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी। असुर गुरु शुक्राचार्य के दिए बाण का तो चलना निश्चित था, पर अब संकट मुझ पर से हटकर वृंदा पर केंद्रित हो गया था। तुमने बहुत रक्षा कर ली अपने गोपाल की, अब ना तो तुम जीवित बचोगी और ना ही तुम्हारा गोपाल। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।